हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं जब हमारे चोट लग जाती है बेबीज़ के, कैट्स के, डॉग्स के। ठीक है, और ये मैक्सी का फेवरेट ऑयल है जिसमें पहले बता चुकी हूँ अपनी पिछली वाली यूट्यूब वीडियो में। ठीक है, तो हम ये ऐसे ये यूज़ कर सकते हैं। देखो, आप किसी वेट के पास जाओगे अपने डॉक्टर को लेकर के, तो देखो कोई भी एज सच पैसे कम नहीं करता। एनजीओ में जाओगे, शेल्टर में जाओगे, अपने पैसे भी खर्च करोगे, प्लस फिर वहाँ पे जो गंदगी होती है उनसे इनको नई बीमारियाँ लग जाती हैं। मैंने एक को भेजा था, उसमें उसको वहाँ से पार्वो लग के आ गया, तो मैं तो उसके बाद कसम खा ली कभी नहीं भेजना। उसके बाद से फिर मैं अपने ही पैसों पे, अपने ही दम पे जो करती हूँ करती हूँ। और मेरी एक काफ़ी काफ़ी अच्छी एक हैं मेरे साथ, एक अटैच, एक आंटी अटैच है मेरे से, जिन्हें मैंने अपना बेबी उनको अडॉप्ट करवाया था, उसका नाम बर्फी है। वो मेरी हेल्प करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये है स्टेफ बेन। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोई भी चोट लग जाती है आपके डॉग के, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं उसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं आपको एक पाउडर भी दिखाती हूँ, छोटा सा पाउडर आता है, करीब करीब 80 या 100 रुपये का आ जाता है। उसको और इस ऑइंटमेंट को मिला करके, एक मतलब जैसे सोल्यूशन सा होता है ना, गाढ़ा सा पेस्ट होता है, उसे इस चोट पे कहीं पे भी लगा दो। मैं आपको दिखाती हूँ, उसके चोट लगी थी यहाँ पे, कहाँ है वैसी चोट दिखाना, छोड़ो यार सो रहा है, मैं नहीं दिखाती। ठीक है, हाँ, तो इसके यहाँ पे ऐसे चोट लगी थी, तो उस घाव पे इसको भर देते थे हम। ठीक है, जैसे हमने दवाई लगाई उसके ऊपर, या तो आप पाउडर डाल दो ताकि वो थिक पेस्ट चिपके रहे। जैसे बिटाडिन होती है, बिटाडिन होती है ह्यूमंस की, आप जब उसको लगाते हो अपने हैंड पे तो वो हट वट जाती है या मिट जाती है, वरना ये तो चाट ही लेते हैं ना, तो कुछ भी चटवा दो तो आप उस पर वो पाउडर डाल सकते हैं, तो ये चाटेंगे भी नहीं, मतलब मैं भी चाट लें शायद, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मेरे वाले तो चाटा नहीं क्योंकि मेरा आगे ही रहता था ये। इसके लगी थी चोट, आप इस लड़ाई में खाल फाड़ दी थी इसके, ऐसे यहाँ पे एकदम ऐसे जो जो खाल है ना, ये पूरी ऐसे आ गई थी, तो मतलब ये जो पार्ट है हेयर पार्ट बिल्कुल ऐसे नीचे गिर चुका था, इतनी बुरी चोट थी इसके। मैं दिखाऊंगी, मेरे पास फोटो होगी, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। मैं चलो बस एक मिनट में पाउडर भी लेके आती हूँ। हाँ, नन्नू मुन्नू सा पाउडर जोस्प्रिन, हम इसको उसमें मिला करके, जो मैंने आपको बताई दवाई ऑइंटमेंट स्टेफ बेन, इसमें मिला के एक थिक पेस्ट बना लेंगे। और देखो यहाँ लिखा होगा, कुछ भी नहीं लिखा यहाँ तो तो ये 80 रुपीज़ का आता है, कोई भी नियर बाय वेट पे मिल जाएगा। आप ये ज़रूर ज़रूर अपने पास रखिए, जैसे अगर आप स्ट्रेस का ध्यान रखते हैं, अपने डॉग्स का ध्यान रखते हैं, तो आप ये अपने पास ज़रूर रखिए। ये पेस्ट तुरंत के तुरंत बना करके आप ये लगा सकते हैं, चाहे कैट हो चाहे डॉग हो, उनके करीब करीब 1 वीक के अंदर वो घाव भर जाता है। और मैं इसकी अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यार सब कुछ कलेक्शन है दवाइयों का, खाली पैकेट तक पड़ा है, बस मुझे आज तक कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं कोई वीडियो डाल सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं, ताकि उनका थोड़ा वेट का खर्चा ही बचे। ठीक है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, खाली दवाइयों का पैकेट जो जो मैंने यूज़ करे हैं और जो जो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखिए और मुझे बताइए, कुछ भी और बताइए कि मैं और किस चीज़ की वीडियो बनाऊं और आपको थोड़ा नॉलेज मिले कि आप अपना यूज़ कर सकें अपने स्ट्रे बेबीज़ का ध्यान रखने के लिए। ठीक है, और इससे एक ये चीज़ और ख़ासियत है, इससे जो है ना, मतलब जैसे कीड़े आ जाते हैं, बैठ जाते हैं चोट पे, खुली चोट पे, और फ्लीज होती हैं, टिक्स होते हैं, चिपक जाते हैं, वो खाल खाने लग जाते हैं ना, तो इससे वो भी नहीं होगा, इससे जो है कीड़े वीड़े दूर दूर तक भागेंगे एकदम। और बेस्ट पार्ट ये है कि यार ये लोग चाटते नहीं हैं। ठीक, हम ये यूज़ कर सकते हैं जोस्प्रिन और स्टेफ बेन।